बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया स्टेज मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स के सिलसिले में पार्ट 91 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वाच कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन देखे दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग Fast a fall in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 meter long? तो देखें, MS Word में जाते हैं। यहां पर दो तीन बातें याद रखें। यहां गाड़ी की जो लंबाई है ना, मीटर लॉन्ग, ये एक्चुअली डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम बीच से लिखते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 240 मीटर है। और टाइम कितना लेता है, 24 सेकंड्स। टाइम 24 सेकंड्स है। अब स्पीड हम इसका मालूम कर लेते हैं पहले, स्पीड। तो इसका स्पीड हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस टी बाय टी। तो डिस्टेंस 240, टाइम 24 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। तो अब ये देखते हैं कि कितना फासला ये 650। अब वंस अगेन देखें, अभी स्पीड दिया गया है, स्पीड मिला में 10 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखें दोस्तों, डिस्टेंस अब हमारे पास डिस्टेंस 650 मीटर एक है और गाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, तो ये 890 मीटर डिस्टेंस बनता है। तो कितना टाइम लेगा, टाइम इज इक्वल टू अननोन, क्योंकि यहां से हमसे टाइम मांगता है। देखिए, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना टाइम लेगा ये। तो टाइम, अब टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 890 डिवाइडेड बाय स्पीड 10, तो दिस इज इक्वल टू 89 सेकंड्स। 89 ऑप्शन ए, देखिए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।